नमस्कार, आई एम बैक विद अनदर सीरीज फॉर क्विक चैप्टर रिवीजन। इस बार हम करने जा रहे हैं बेटा कैपिटल गेन्स। इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर। इसका अगर आपको डिटेल्ड रिवीजन करना है तो डिटेल्ड रिवीजन के वीडियोस अलग हैं, यहीं पर ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लिस्ट प्ले लिस्ट देखोगे वहां पर सारे डिटेल्ड रिवीजन वीडियोज आपको मिलेंगे, वेर एन वीव डन ऑल द इलस्ट्रेशन, ऑल द क्वेश्चन एज वेल एज डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट इन डिटेल। बट ये वाले वीडियोज जो है जस्ट फॉर अ क्विक कॉन्सेप्ट रिविजन, फॉर अ लास्ट मिनट रिविजन ऑफ द इंटायर चैप्टर। तो कैपिटल गेन्स का चैप्टर थोड़ा लेंथी है। तो कैपिटल गेन्स के चैप्टर को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज स्टेप वन, इज इट टैक्सेबल। यहां पर हम चेक करेंगे कि आप क्या कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एसेट, और दूसरा वर्ड है ट्रांसफर। कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, उसकी बात करेंगे। चेक करेंगे व्हेन इज इट टैक्सेबल। आमतौर पे कैपिटल गेन्स उसी साल टैक्सेबल होता है जिस साल ट्रांसफर होता है। आपको पैसा आया या नहीं आया उससे कोई रेलेवेंस नहीं। अगर आपने 22-23 में ट्रांसफर करा, पैसा 23-24 में आया, देन कैपिटल गेन्स विल नॉर्मली बी टैक्सेबल इन द ईयर 22-23। हाउएवर इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस है जिसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल कम टू अ थर्ड स्टेप, हाउ इज कैपिटल गेन्स टू बी कंप्यूटेड। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए कैपिटल गेन्स का मेथड दिया है सेक्शन 51 एंड 50 सब सेक्शन 2 में, एंड नॉन डेप्रिसिएबल के लिए दिया है सेक्शन 48 में, और एक मेथड है फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, जहां पर फॉरेन करेंसी में आपने किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे। वंस वी कैलकुलेटेड कैपिटल गेन्स, देन वी विल गिव सर्टेन एग्जेम्पशंस, 54, 54B, 54EC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Then we also know capital gains special income होती है और उस पर capital gains tax अलग से निकलता है, 112, 112A and 111A। चलिए शुरू करते हैं। From step number one, is it taxable? What is a capital asset? The capital word का meaning है capital is saving, capital is wealth, capital is money accumulated। उससे आपने कोई भी asset खरीदा, it is a capital asset। आपके घर का AC, TV, फ्रिज, गाड़ी, चाहे आप business के लिए use कर रहे हैं, आप उसको बिजनेस में फिक्स्ड एसेट बोले, इन्वेस्टमेंट बोले, जैसे अकाउंट्स में बोलते हैं, इवन स्टॉक इन ट्रेड हैज बीन बॉट आउट ऑफ कैपिटल। सो एवरीथिंग बॉट आउट ऑफ कैपिटल इज अ कैपिटल एसेट। मेरा मोबाइल, मेरा पेन, मेरा ये माइक, मेरा ये लैपटॉप, एवरीथिंग इज अ कैपिटल एसेट। हाउएवर सेक्शन 214 में स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट दिया। द कैपिटल एसेट इनकम टैक्स के लिए हम फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट में नहीं डिवाइड करते। हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, या तो डेप्रिसिएबल होगा या नॉन डेप्रिसिएबल होगा। तो डेप्रिसिएबल एसेट क्या है? ऐसा एसेट जो आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इट इज ओन्ड बाय यू, और उसका रेट एक्ट में मेंशन है। अब जैसे लैंड है, अगर आप लैंड खरीदते हैं, लैंड ओन्ड है, आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहा हो सकता है, पर उसका रेट मेंशन नहीं है, इसलिए वो डेप्रिसिएबल नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? नॉन डेप्रिसिएबल। सो एवरी एसेट दैट इज नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। टीवी घर पे है, नॉन डेप्रिसिएबल है। टीवी ऑफिस में है, डेप्रिसिएबल। आपका एसी घर पे लगा है, नॉन डेप्रिसिएबल है। एसी ऑफिस में लगा है, डेप्रिसिएबल। गाड़ी घर पे है, पर्सनल है, नॉन डेप्रिसिएबल है। ऑफिस में है, डेप्रिसिएबल। जो बंदा बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर रहा है उसके सारे एसेट्स नॉन डेप्रिसिएबल होते हैं। अब दोनों में फर्क क्या बेटा? डेप्रिसिएबल एसेट की कॉस्ट जो आपने लगाई, खरीदी, उसकी आपको डिडक्शन मिलनी शुरू हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज समथिंग कॉल्ड डेप्रिसिएशन अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होता है, जिस साल आपने खरीदा उस साल आपको उसकी कॉस्ट का कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसफर करते हो, बेचते हो, उस साल आपकी कॉस्ट का डिडक्शन मिल जाता है टू अराइव एट व्हाट वी कॉल गेन्स और लॉस। नाउ इनकम टैक्स में लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, इवन अ राइट इन एन एसेट इज अ कैपिटल एसेट। टेनेंसी राइट, राइट एंटाइटलमेंट, राइट टू बाय अ प्रॉपर्टी, ये सारी राइट्स आर ऑल्सो व्हाट वी कॉल कैपिटल एसेट्स। इनको बेचने पे, इनको ट्रांसफर करने पे भी कैपिटल गेन्स या लॉस होगा। बट कुछ एसेट्स को आउटसाइड द परव्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स कर दिया, यानी ये कैपिटल एसेट है एज पर द जनरल डेफिनेशन बिकॉज दे आर बॉट आउट ऑफ कैपिटल, बट उनको बाहर कर दिया। वन ऑफ कोर्स इज स्टॉक एंड ट्रेड, क्योंकि स्टॉक एंड ट्रेड को जाके बोला कि बिजनेस साइड में स्टॉक एंड ट्रेड और कंज्यूमेबल्स की इनकम टैक्सेबल होगी।
तो अगर स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर नहीं करते तो फिर बिजनेस इनकम में क्या करते, तो इस वजह से स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर करके कहां डाल दिया, बिजनेस में। लेकिन यहां बोला गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते बेचते हैं, नाउ रिमेंबर एफआईआईज बाइंग शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट दे आर ट्रेडिंग इन शेयर्स। अरे जब आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रिमेंबर आपकी बिजनेस इनकम होगी, और कैपिटल गेन्स होता है तो 112A का फायदा मिलता है 10% टैक्स का, और शॉर्ट टर्म का 15% का फायदा मिलता है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है वो तो नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होगी 40% पे। तो एफआईआईज के ऊपर नोटिस गया था और इनकम टैक्स वालों ने बोला भाई आपकी तो बिजनेस इनकम है, आपको हम 10% वाला रेट क्यों देंगे। तो क्या लॉ बदला, लॉ बदला कि अगर आपने सेबी से अप्रूवल लिया हुआ है, इफ एफआईआईज हैव टेकन एन अप्रूवल फ्रॉम सेबी, देन देयर इनकम फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटल गेन, यानी उनको 112A और 111A का फायदा मिल जाएगा। देन पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर करा। नाउ व्हाट आर पर्सनल इफेक्ट्स, एनी एसेट दैट यू आर यूजिंग फॉर पर्सनल यूज, घर पे जितने एसेट्स हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, कपड़े, यूटेंसिल्स, दीवार पे पेंटिंग्स, ये सारे पर्सनल एसेट्स होते हैं। पर इनमें से अच्छा घर का जो आपका जो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, ये सभी तो पर्सनल इफेक्ट्स है। ज्वेलरी, गोल्ड, ये भी पर्सनल इफेक्ट्स है। पर इनमें से ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिनको बेचने पे अक्सर लॉस ही होता है? तो आप फर्नीचर खरीदोगे, यूटेंसिल्स खरीदोगे, एसी, टीवी, फ्रिज, जब बेचोगे तो लॉस होगा। तो पर्सनल इफेक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से, विच मीन्स अगर आप अपने घर के पर्सनल इफेक्ट्स बेचते हो तो गेन हुआ या लॉस हुआ कुछ भी असेसिबल नहीं होगा, आमतौर पर ऑब्वियसली लॉस होता है। हाउएवर घर पे कुछ पर्सनल एसेट्स ऐसे हैं जिनको बेचने पे प्रॉफिट होता है, जैसे ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, वर्क्स ऑफ आर्ट एंड बुलियन, इनको टैक्स लगाया, इनको पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया, विच मीन्स दीज विल देन नाउ बी चार्जेबल टू टैक्स। बट सिल्वर यूटेंसिल्स, क्योंकि हमारे देश में प्रथा है सिल्वर के यूटेंसिल्स बच्चे के पैदाइश पे, हर फंक्शन पे, शादी पे यूज होते हैं, तो सिल्वर यूटेंसिल्स अगर आपने रीजनेबल अमाउंट पे रखे हो और आप बेचते हो तो बेटा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन में रखा हुआ। बट ऑलवेज रिमेंबर पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस, पर्सनल इफेक्ट्स कैन ओनली बी मूवेबल, तो पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस इज नेवर अ पर्सनल इफेक्ट, उस पर हमेशा टैक्स लगेगा। हालांकि पेपर में आपको लिख के दिया जाएगा पर्सनल ज्वेलरी, पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस, प्लीज रिमेंबर ये वाले टैक्सेबल है, सिर्फ जो लॉस मेकिंग वाले हैं वो एग्जेम्प्ट है। यानी आप पर्सनल गाड़ी बेचोगे कोई टैक्स नहीं है, अगर प्रॉफिट पे भी बिके, हालांकि बिकती नहीं है, पर अगर बिक भी गई तो भी टैक्स नहीं है। पर अगर गाड़ी आपकी बिजनेस के लिए यूज हो रही थी और वो डेप्रिसिएबल था तो दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। तीसरा आया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, देयर आर थ्री वर्ड्स है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एरिया क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अगर पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है तो सारा एरिया रूरल है, और उसके बाहर आसपास का एरिया भी रूरल है। अगर 10,000 से ऊपर की पॉपुलेशन है और 1,00,000 या उससे कम की पॉपुलेशन है, देन 2 किलोमीटर के अंदर जो भी जमीन आ रही है वो भी रूरल है, सॉरी वो अर्बन है, और उसके बाहर की जमीन इज रूरल। अगर आपकी पॉपुलेशन 1,00,000 से ज्यादा है, 10,00,000 से कम है, तो ये डिस्टेंस जो है अर्बन वाला 6 किलोमीटर कर दिया, शहर के अंदर जितना एरिया आ रहा है प्लस 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो आ रहा है दैट इज ऑल्सो अर्बन, उसके बाहर जो आ रहा है वो रूरल है। और अगर पॉपुलेशन म्यूनिसिपैलिटी की 10,00,000 से ज्यादा है देन दिस बिकम्स 8 किलोमीटर। नाउ अगर अर्बन एरिया है और अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड है और आप उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, नाउ एग्रीकल्चर इज डिफाइंड अंडर 2(1)A, आपने अपनी खेती की जमीन किराए पे दी, आपने उस पर अनाज उगा के बेचा, या एनुअल वैल्यू ऑफ फार्म हाउस, ये तीनों एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम रिमेंबर इज एग्जेम्प्ट वेदर द लैंड इज इन अर्बन एरिया और रूरल एरिया। सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, बट सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को एग्जेम्प्ट कैपिटल एसेट कर दिया। 56-10 में भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आएगा क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड कैपिटल एसेट है। प्लीज रिमेंबर कहां फर्क पड़ेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन। ये एग्रीकल्चरल इनकम है, इस पे पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये एग्जेम्प्ट है बेटा, पर दिस इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, इस पे पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, दिस इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम।
रूरल कैसे मेजर करते हैं, एरियली, जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर करेंगे, एरियली। एग्रीकल्चर क्या होता है ये मैंने आपको बताया, उस पर बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस होता है, एंड लैंड। तो इज रूरल बिल्डिंग टैक्सेबल, हाँ रूरल बिल्डिंग इवन इफ यूज फॉर एग्रीकल्चर बेचोगे तो टैक्सेबल होगा, सो रूरल लैंड नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर इज टैक्सेबल, रूरल बिल्डिंग इवन इफ यूज फॉर एग्रीकल्चर इज टैक्सेबल, यूज इन द हैंड ऑफ द सेलर इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द बायर, यानी जो बंदा बेच रहा है वो खेती कर रहा है, जो बंदा खरीद रहा है वो खेती नहीं कर रहा है, वो उसके ऊपर यूनिवर्सिटी खोलने वाला है, उसके हाथ में सेलर के हाथ में फिर भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन सर्टेन बॉन्ड्स, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन सर्टिफिकेट, गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स, ऑल ऑफ दीज आर एग्जेम्प्टेड कैपिटल एसेट। देन कम्स ट्रांसफर, सेल इज ऑल्सो अ ट्रांसफर, सेल में पैसा आता है एंड देर इज फ्री विल। एक्सचेंज, मैंने आपको गोल्ड दिया, आपने मुझे लैंड दिया, अब ये सेल नहीं है पर ट्रांसफर है, कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होगा। रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट इन एन एसेट, रिलिंक्विशिंग एन एसेट, आपने अपने एसेट का राइट छोड़ दिया या आपका राइट खत्म हो गया, जैसे आपने लाइसेंस खरीदा, लाइसेंस आपने एक्सपायर हो गया या लाइसेंस आपने वेव ऑफ कर दिया, छोड़ दिया, या आपने एक एग्रीमेंट टू सेल करा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, एग्रीमेंट टू सेल, यानी यू हैव जस्ट अ राइट टू एक्वायर दैट प्रॉपर्टी, पर बाद में आपने वो राइट छोड़ दिया इन फेवर ऑफ द सेलर और उससे आपने पैसा ले लिया अपना राइट छोड़ने के लिए। दीज राइट्स आर ऑल्सो, वेविंग ऑफ द राइट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द राइट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपका लैंड, कोई भी एसेट कंपल्सरली एक्वायर कर सकती है, ऑब्वियसली अंडर सर्कमस्टांसिस गिवन इन द एक्ट। अगर गवर्नमेंट ने कंपल्सरली एक्वायर करा, आपको पैसा दिया, प्लीज रिमेंबर दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इन टू स्टॉक, आप ही का कैपिटल एसेट और अब आप उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी पहले आपका बिजनेस नहीं था इसको खरीदने बेचने का, आपके पास बिल्डिंग थी, अब आप बिल्डिंग के ट्रेडर बन गए तो आपने अपनी बिल्डिंग को अपना स्टॉक बना दिया, या आपके पास घर पे 5 गाड़ियां हैं, अब आप गाड़ी के ट्रेडर बन गए, उन गाड़ियों को स्टॉक बना दिया, यहां पर दो लोग इन्वॉल्व भी नहीं है बट फिर भी ट्रांसफर है। मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, नो जीरो कूपन बॉन्ड्स रिमेंबर आर बॉन्ड्स जिनके ऊपर कोई ब्याज नहीं होता, इनको मैच्योरिटी पे एक बार प्रीमियम में रिडीम करा जाता है। तो सर्टन कंपनीज बीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, शेड्यूल्ड बैंक्स को अलाउ किया जाता है एज पर 248 टू बी एबल टू इश्यू सर्टन बॉन्ड्स जिन पे ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो अभी आप सोचो 100,000 के बॉन्ड्स आपने खरीदे और 3 साल के बाद आपको 130,000 मिल रहा है, तो आपको जो 30,000 मिला वो आपके हाथ में कैपिटल गेन्स में जाएगा, नॉट एज इंटरेस्ट, और इस पे 194A में TDS भी नहीं कटेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी, आपने कोई चीज बेची पावर ऑफ अटॉर्नी पे, जिस दिन पावर ऑफ अटॉर्नी साइन हो गया उस दिन ट्रांसफर हो गया। एग्रीमेंट टू सेल, आमतौर पे जब भी हम प्रॉपर्टी बेचते हैं हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है बायर के नाम पे, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो बायर के हाथ में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, लेकिन कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही आप पोजेशन दे देते हैं बायर को, ऐसा कैसे, तो लॉ कहता है इफ पोजेशन हैज बीन गिवन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट देन द डेट ऑफ पोजेशन इज द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ये होगी डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। नाउ रिमेंबर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, आपके पास एक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स है, हो सकता है उनकी टोटल वैल्यू 1,000,000 की है, बाद में कन्वर्ट हो गए इनटू इक्विटी शेयर्स, वैल्यू आपको 1,500,000 की होगी। अभी आपको मिला कैश में तो कुछ नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में क्या मिला, इक्विटी शेयर्स, क्या ये भी ट्रांसफर है, हाँ, प्रॉफिट हो रहा आपका 5,00,000 का पर वो एग्जेम्प्ट है अंडर 47। सिमिलरली कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स इज आल्सो एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट्स टू ट्रांसफर, आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, आपने बेचे नहीं, रिडीम करे गवर्नमेंट को, सॉरी कंपनी को वापस कर दिया, रिडेम्पशन हो गया, कंपनी ने आपको पैसा दिया, दैट इज कवर्ड बाय रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट, और ये भी ट्रांसफर है। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स इंटर लेवल पे कर लो, ये वाला एक बार पूछा हुआ है 2 नंबर का, एज अ ट्रू और फॉल्स पूछा था ICAI ने, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा हुआ। तो व्हाट हैव वी डन, हैव वी क्रॉस स्टेप नंबर 1, वी हैव क्रॉस स्टेप नंबर 1, इज इट टैक्सेबल, यानी अगर आप कैपिटल एसेट ही नहीं ट्रांसफर कर रहे या आप कैपिटल एसेट पर ट्रांसफर नहीं कर रहे तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां मैंने एक बार वो कर दिया।
देन कम्स टू एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर्स, यानी ट्रांसफर है पर एग्जेम्प्ट कर दिया, विच मीन्स गिफ्ट और विल से, अगर किसी बंदे ने किसी को भी गिफ्ट या विल से दिया टू एनीवन ऑफ एनीथिंग एट एनी टाइम बाय एनीवन, किसी ने भी किसी को भी कुछ भी कभी भी गिफ्ट करा या विल से दिया, रिमेंबर आपने गिफ्ट करा है, आगे से कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो आप क्या करोगे, लॉस क्रिएट कर लोगे. तो लॉ इज सेइंग वी विल नॉट अलाउ यू टू क्रिएट लॉस. सो गिफ्ट और विल इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर. मैंने 80 लाख की जमीन खरीदी, मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी, मैंने कहा वाइफ ने एक स्माइल दी, फुल वैल्यू जीरो होगी, 80 लाख की कॉस्ट की डिडक्शन लेके मैंने लॉस क्रिएट कर लिया, अलाउड नहीं है. तो गिफ्ट और विल से कोई भी लॉस क्रिएट नहीं होगा, ये एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर. होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी को कोई एसेट बेचा, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा, एज लॉन्ग एज द ट्रांसफरी इज एन इंडियन कंपनी एंड द होल्डिंग इज 100% होल्डिंग एंड अ कैपिटल एसेट इज टेकन ओवर एज अ कैपिटल एसेट, यानी ट्रांसफरर के हाथ में भी कैपिटल एसेट है और ट्रांसफरी के हाथ में भी कैपिटल एसेट है, तो ट्रांसफर एग्जेम्प्ट है. लेकिन अगर इसको आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा, यानी ट्रांसफरर के हाथ में लैंड वॉज एन इन्वेस्टमेंट बट ट्रांसफरी इज डीलिंग इन लैंड, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल हो जाएगा. फिर अमेलगमेशन है बेटा, फर्म टू कंपनी है, फुलफिलिंग कंडीशंस ऑफ 47-13, प्रोप्राइटरी टू कंपनी है, फुलफिलिंग कंडीशंस ऑफ 47-14, कंपनी टू LLP है, फुलफिलिंग कंडीशंस ऑफ 47-13B, ये भी एग्जेम्प्ट है. इनको मैंने कराया था बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में. रिवर्स मॉर्गेज, सीनियर सिटीजंस की एक स्कीम होती है कि वो कुछ लैंड गिरवी रख सकते हैं, और एक स्कीम है जिसको मैंने बागबान स्कीम भी बोला था, कि शेड्यूल्ड बैंक्स को बोला गया कि आपने सीनियर सिटीजंस को प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पैसा देना है अंडर द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, और इस पैसे को वो वापस नहीं करेंगे जब तक वो जिंदा है, ना उस पर ब्याज देंगे. हाँ, जब उनकी डेथ होगी या वो विलफुली अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बैंक क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी बेच के पहले कैपिटल गेंस टैक्स पे करेगा टू द डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, फिर अपना ब्याज अपना प्रिंसिपल रिकवर करेगा, और कुछ बच गया तो वापस कर देगा टू द सीनियर सिटीजंस और देयर लीगल हेयर्स. तो रिवर्स मॉर्गेज. फिर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन पे, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, अपने शेयर होल्डर्स को जो बच जाते हैं इक्विटी शेयर्स एंड में, उनको एसेट्स इन काइंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो कंपनी को कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा. एंड आई रिपीट अगेन, मैं यहां डिटेल्ड रिवीजन नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स फास्ट रिवाइज करा रहा हूं. तो आई एम अज्यूमिंग ये बात सारी बातें हमने करी हुई है. HUF की पार्टीशन हुई और उन्होंने मेंबर को कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट्स पार्टीशन पे दिया, तो HUF के हाथ में कोई कैपिटल गेन्स नहीं होगा. यहां पर मैंने करके दिखाया था, HUF ने अगर कोई लैंड खरीदा था 10 लाख का 2013 में और पार्टीशन हो गई 1/11/19 को और वो लैंड की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 80 लाख की है और उन्होंने वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू देयर मेंबर्स, ये जो ये ट्रांसफर हुआ 1/11/19 को, HUF ने लैंड डिस्ट्रीब्यूट करा है, ट्रांसफर हो रहा है, पर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी HUF के हाथ में ये 80 लाख माइनस 10 लाख का कैपिटल गेन्स नहीं होगा. इसके बाद की ट्रीटमेंट आई विल डू, बट वंस वी हैव रीच्ड देयर. सो व्हाट हैव वी डन, हैव वी फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट? यस सर, वी फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट. स्टेप वन हो गया हमारा, ये वाला पार्ट भी हो गया. नाउ ये स्पेशल केसेस विल बी इन द लास्ट पार्ट. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ कैपिटल एसेट एंड व्हाट इज ट्रांसफर. सेकेंड पार्ट में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन्स.